बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी गाइज? मैं बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइज, मैं ना मीन्स इतना लेट हो रही थी कि मैं घर पे अपना ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई। एंड मैं भूल ही गई थी कि मीन्स मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना है। एंड मैं आई थी गाइज कमला नगर, और वो भी खुद से आई थी गाइज ऑटो करके। और क्यों आई थी, बस इतना यही रखे और क्यों आई थी वो मैं आपको अभी बताती हूँ। गाइज थोड़ी देर आपको बताती हूँ। सो गाइज, मैं आई थी कमला नगर H2B सैलून। और मैं क्यों आई थी गाइज, ये मैं आपको ऊपर जाके ही दिखाऊंगी। मैं तो ऐसे ही आई थी नॉर्मली, बट गाइज मम्मी को स्मूथनिंग करवानी थी, तो मम्मी अपना पहले आए हुए थे सुबह से ही, बट मुझे, मैं थोड़ा बिजी थी उस टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं अब आई हुई हूँ, जो भी रेडी शेडी होके मम्मी का थोड़ा बहुत सामान लेके, एंड उसके बाद हम करेंगे मार्केट एक्सप्लोर। मम्मी को लूना के बर्थडे की तैयारियाँ कर रही थी, और मम्मी का मन था, हाँ मैं ही थक गई, मम्मी का मन था स्मूथनिंग करवाने का। तो मम्मी ने कहा चलो मैं जाऊँगी, तो फिर हमने कहा चलते। हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? तो चलो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। देखें, ये है वो कार्यक्रम, मम्मी को करानी थी अपनी स्मूथनिंग, तो इसलिए मम्मी आई थी यहाँ पे। एंड अच्छा, मैं सोच रही थी सामने मिरर में आपको दिखाऊं, बट गाइज मम्मी दीदी है नहीं यार, ये तो मेरे साथ गलत हो गया। बट चलो मैं दिखाती हूँ गाइज आप लोगों को थोड़ी देर में। वेट कर रही हो अब, क्योंकि मैं मीन्स मम्मी को स्मूथनिंग करवानी थी, मम्मी तो इसलिए आए थे, पर मुझे कुछ कराना नहीं था। बट फिर मैंने सोचा मैं जाके दीदी से तो मिल ही आऊँगी, तो मैं अपना रेडी शेडी होके आई थी गाइज। अभी दीदी है नहीं, थोड़ी बहुत देर तक आएंगे, तो मैं अभी बैठ के वेट कर रही हूँ। और गाइज आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो मम्मी हम सबसे पहले कितना तैयारियाँ करा रही हैं। मम्मी ने अपने नेल एक्सटेंशन करा लिए, देखिए ज़रा कैसे मानशु ने बहुत सुंदर से नेल्स करे थे मम्मी के, और जो हम लोगों ने अभी तक नहीं करवाए गए। नेल्स कराने के लिए मैंने मानशु को बोला हुआ है ना, फिर वो बेचारा आए। तो देखो मैंने तो अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं करी, इनफैक्ट मेरा आउटफिट भी जो है ना उसका मेजरमेंट वगैरह गया हुआ है, वो आएगा मेरे पास 22 को ही, एंड 23 को मैंने वेयर करना है। एंड मैं आपको स्पेशली अपना लुक दिखाऊंगी सुंदर सा, और बाकी अभी ये हो जाए सारा कार्यक्रम जो मम्मी का चल रहा है, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। दीदी आएंगी तभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक बैठ के गाइस मैं फ़ोन चलाऊंगी। ये बाय भैया अपने लिए कॉफ़ी, क्योंकि मैं आती हूँ ना तो भैया मिसिंग हो गए, पता नहीं कहाँ गए, बट ना वो मेरे लिए बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं हमेशा ही, तो मैं ये रही तो कॉफ़ी पी लूँ, बाकी दीदी ने बात करी गाइस। हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ, बाकी चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। समझ नहीं आती है, अजीब गरीब लॉल हमेशा मेरे साथ ही क्यों होते हैं। भैया पीछे मेरे हेयर्स देख रहे थे, कह रहे टैग नहीं तोड़ा आपने। और गाइस यार ये ऐसे कैसे हो जाता है मेरे साथ बार बार, निकाल दो ना। ठीक है, मेरे बारे में गाइस, मम्मी का ऑल ओवर लुक ना बहुत सुंदर लगने वाला है, क्योंकि ना ये बहुत अच्छा लग रहा है गाइस अभी से ही। देखो ऐसे मम्मी मुझसे पूछती है कि तुम कभी नेल्स, मम्मी निकल कर आए, मम्मी मुझसे कह रही कि तूने बताया नहीं कैसे लग रहे हैं। मैंने कहा मम्मी अच्छे लग रहे हैं, बताना क्या होता है इसमें। और अभी ना बट हेयर्स मम्मी को बहुत होने के बाद बहुत सुंदर लगने वाले हैं, क्योंकि ना मम्मी के ऊपर ऐसा स्ट्रेट काफ़ी अच्छा लुक आता है। बाकी मैं ले रही थी गाइस स्पा, क्योंकि हेयर स्पा मेरे को ना बार बार लगता है यार बालों को, पता नहीं क्या करूँ इनके साथ गाइस, जो ये ठीक तरीके से रहे बट ये रहता ही नहीं है। बट फिर भी धीरे बताया कि कोई बेस्ट हेयर स्पा ले लूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी हेयर स्पा लेके फिर मुझे तो काफ़ी भूख लग रही है गाइस, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो ये करा के आज मम्मी के साथ, मैं जिसके साथ कमला नगर आती हूँ उसे मुझे खिलाना पड़ता है गाइस, क्योंकि ये रूल है तो मैंने अपने घर में बना रखा है सबके साथ ही। तो मैं बहन के साथ आती हूँ बहन खिलाती है, पुनीत के साथ आती हूँ पुनीत खिलाता है, अब मैं मम्मी के साथ आई तो मम्मी खिलाएंगी। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मैगडी पे जाने वाली हूँ आज, मैं वहीं पे खाऊंगी। तो मिलूंगी गाइस आप लोगों से बहुत सून वहाँ जाके, बाकी अभी मैं ये थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाऊँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सर पे क्या लगा दिया ज़रा देखना, मैं मुझे हेयर स्पा लेना था, बट भैया ने कहा पहले धीने बोटॉक्स के लिए कहा है वो करवा रहे हैं, और अब बालों में हीट ना लगे एयर ना लगे जो हमने अभी यूज़ करे हैं प्रोडक्ट्स उनके लिए। भैया ने मेरे सर पे पन्नी चढ़ा दी गई, पन्नी नहीं है बट ये कुछ और था फॉर्मूला उन्होंने लगाया जो। मिलती हूँ बाकी मैं आपसे कुछ देर में। मेरा प्रोसीजर चल ही रहा था, मैंने बोटॉक्स करवाया तो उसका प्रोसेस चल रहा है, इतने में आ गई गाइस दीदी भी यहाँ पे, जो कि मम्मी के साथ है वहाँ पे। और दीदी ने गाइस अपना लुक इतना चेंज कर लिया है, मैं दीदी से यही पूछती थी कि आप इतने सुंदर बन के एक्चुअली में जा कहाँ रहे हो, यहाँ आओ आप ये बताओ ज़रा। मैं तो गाइस को ही बता रही हूँ, मैंने कहा इतनी सुंदर बन के आप जा कहाँ रही हो ये पता तो लगे ज़रा। गाइस न्यू हेयर कलर ये देखो आप लोग, और आज तो इतनी सुंदर ड्रेस। दीदी क्या आपने क्या बोला, आज आप मिलने आ रहे हैं हम लोग, तो आज आप तैयार हो क्या हो गए है, यही सोचा आपने ना? हाँ बिल्कुल, ये भी अच्छी लग रही है पर बहुत ज़्यादा।
तब आपने क्या सोचा कि अब आपने न्यू लुक लिया तो आप रोज तैयार हो गया होगे अब हैं? ये बात, चलो गाइस थोड़ा तो पहले तो बिल्कुल रेडी शेडी नहीं हो रहे, थोड़ा तो हो रहे, चलो ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ गाइस आपसे थोड़ी देर। बहुत ही जल्द मेरा हेयर्स का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था मैं बोटॉक्स करा रही हूँ, तो ये कभी ये करते हैं कभी ये करते हैं बदल बदल के। एंड गाइस मैंने भैया से बात करके ना कुछ बुक डिसाइड किया है जिस पर मैं बहुत जल्दी अमल करने वाली हूँ, मैं आपको दिखूंगी भी वो करती हुई। पहले तो ये मुझे गलत सलाहें दे रहे थे जो हंस रहे हैं ये पीछे खड़े होके, पर फिर ये पकड़े गए गाइस, खुद तो इन्होंने अपने बालों में कलर ले रखा है खुद तो नहीं नहीं अच्छा मेरा तो आप ध्यान गया, खुद तो आपने बालों में कलर ले रखा है, दूसरों को आप ऐसे बोल रहे हो मतलब है। और फिर हाँ ऊपर से डैमेज और बता रहे थे। और गाइस देखो यहाँ पे मुझे मेरी एक फ्रेंड भी मिल गई जो मुझसे यहाँ बैठ के खराब नहीं हुआ हमारे हो जाए, बड़े चार बाल है खराब हो ही जाए क्या फर्क पड़ता है। और गाइस गाइस यहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड, क्या नाम है आपका? रितिका। तो गाइस ये मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं हम मुझे मिल गए थे, हम बोर हो रहे थे और फिर हम तब से हम बातें कर रहे हैं तो बैठे हैं मजे मार रहे हैं। और आपका नाम अली? दीप। तो अली किसका नाम है? मैंने तो सुना था अली भैया बालों वाले। अच्छा इनका नाम है हाँ। और मम्मी गाइस उधर हैं आपको दिख रही होंगी, और बाकी मेरे हेयर्स फटाफट हो जाए। मम्मी ने मंगाया मैकडी से एक हमारे लिए बर्गर वगैरह, नहीं उन्होंने उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं आपसे मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर में, बाय। मैंने बोटॉक्स करवाया था जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैंने थोड़ी सी कटिंग ली थी अपने बालों में, जितने भी एक्स्ट्रा और थे मैंने कटवाए तो मुझे ऐसे अच्छे लग रहे हैं। और बाकी कल में भी कल या परसों मुझे वॉश के लिए आना है तो मैं वो देखूंगी। एंड गाइस मम्मी का लुक सीरियसली बहुत अमेजिंग आया है, देखो मतलब मम्मी के बाल आप लोगों ने पहले देखे होंगे, पर यार ये मम्मी मैं तो सोचती थी कि आपके बाल छोटे हैं इसलिए हम लोगों के भी नहीं बढ़ते, क्योंकि माँ बाप बच्चों में सेम वो होता है, पर आपके बाल तो अच्छे खासे लंबे हैं तो हमारे क्यों नहीं लंबे होते? नहीं बेटा क्या धोखाधड़ी करी आपने हमारे साथ? गाइस बट देखो बहुत सुंदर लुक आ रहा है, देखो मस्त एकदम। और बाकी इसके बाद हम जाएंगे आगे शॉपिंग करने गाइस। निकल चुके हैं मम्मी भी और मैं भी अपने ऐसे लहराते हुए बाल लेके, और मुझे एक चीज़ लेनी थी तो मुझे नहीं पता कहाँ मिलती है, मम्मी को भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट में थोड़ा सा एक्सप्लोर। मम्मी हम उस साइड भी जाएंगे तो हम गोलगप्पे खाएंगे, ठीक है? नहीं ऑटो तो चलो गाइस इसका पहले मुझे जो भी लेना है मैं ले लूँ, देन आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है? दूर है क्या? तो कर लो फिर रिक्शा। ये अपने सूट के मम्मी ने फैब्रिक में से एक सूट स्टिच करवाया है, उसके लिए मम्मी को चाहिए दुपट्टा, ये रहा एंड इसी कलर का मम्मी दुपट्टा चाहिए, ये पकड़। आऊंगी ही नहीं गाइस, पता है पूरे कमला नगर में मैं बहुत ज्यादा घूमती हूँ, बहुत ज्यादा मुझे काफी पसंद है, बट गाइस कमला नगर में ना ये एंड में आके जो ये जगह है ना गाइस यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी हींग हींग की शॉप है, मैं इस साइड ना बिल्कुल नहीं आ पाती गाइस, मुझे इसकी स्मेल इतनी बुरी लगती है, इतनी चढ़ती है, बट मम्मी को यहाँ के गोलगप्पे पसंद है तो मम्मी बोरी गाइस सामने गोलगप्पे खा रही हैं। मैं आगे से भैया के खाऊंगी और फिर हम यहाँ से चलेंगे घर की तरफ, तो मम्मी खा ले फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों से। से निकल के हम लोग आए हैं यहाँ पे स्लीपर लेने, मम्मी मैं भी ले लूँ एक जोड़ी अपने ड्रेस के लिए? हाँ लूँ गाइस देखा, हाँ लूँ, ये इतने प्यारे शब्द बड़े अच्छे लगते हैं सुन के, पर मुझे कुछ बेली टाइप में चाहिए, मैं वो बेली टाइप ले लूँ। और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं नोना के लिए कुछ, मम्मी को चाहिए नोना के लिए बेलीज चाहिए, और फिर लेने के बाद गाइस आप लोगों से मिलते हैं, मुझे कुछ हील्स में चाहिए था बट देखते हैं, चलो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। एक शॉप पे जहाँ पे हमें देखने थी नोना के लिए कुछ आउटफिट्स, इनका मिरर बहुत गंदा हो रहा है गाइस, इन्होंने लगता है साफ़ नहीं किया, बट हम नीचे तो देख आए बट हमें ना कुछ पसंद नहीं आया, तब हम ऊपर देखते हैं गाइस। गाउन है इनके पास तो हमने कहा चलो गाउन देख लेते हैं, शरारा लहंगा वगैरह। नेक्स्ट शोरूम में जहाँ पे हम ट्राई कर रहे थे नोना की ड्रेस तो वो हमने फाइनल कर लिए थे, देखो कितने सेक्सी लग रहे हैं यार ये कपड़े, है ना अच्छे लग रहे हैं ना,
ये क्या स्कर्ट है, टॉप है? अच्छा टॉप है, पहनती हूँ पहले गाइस को मैं, देखो गाइस सी इसका लुक देखो यार, ये मुझे बहुत सुंदर लगे गाइस। तो ना मीन्स नीचे वाले फ्लोर पे हमने नोना की ड्रेस फाइनल कर दी थी एंड ना फर्स्ट फ्लोर पे फिर उन्होंने कहा सेकंड फ्लोर पे गर्ल्स का सेक्शन भी है, तो मैं ऊपर आ गई थी। एक दो दुकान वाले जंपसूट गाइस, आज मम्मी मुझे शॉपिंग करा रही है एंड आई जस्ट लव इट, वाओ ये तो सुंदर है। मम्मी पर बताओ शॉर्ट्स वाइट देखूं या यही ठीक लग रहा है? देखो ब्लैक ही अच्छा लग रहा है वाइट पे, और टॉप टॉप भी ये मैच कर रहे हैं वैसे इसके साथ, पर ये लेवेंडर टॉप इसके साथ नहीं जाएगी। अरे मेरे क्यों नहीं जाएगी, तू लगा के वैसे ही देख ले, उसमें कलर है 5-6। अब व्लॉग पकड़ो मैं ट्राई देखती हूँ, आप भी बताओ गाइस, आप कमेंट्स करके बताओ। पीछे लाइट आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हाँ ऐसे ज्यादा दिख रहा है पर गाइस को नहीं दिखता। कलर है इसमें 4-5, बहुत सारे हैं, बहुत सुंदर है। बस ये बेटा ये ठंडो का फैब्रिक है लग रहा है, नहीं गर्मियों का है ये वाइट। मैं गाइज और इनका कलेक्शन, ओह माय गॉड बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, सब कुछ है मीन्स यहाँ पे। बाकी मैंने अभी ये ट्राई किया है, अभी और कुछ मैं देखो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, बट ये मुझे बहुत सुंदर लगा। इनके पास काफ़ी हाँ ये मुझे अच्छे लगे थे बट ये ज़्यादा शॉर्ट्स हैं, और मैंने ये ऐसे स्कर्ट देखनी थी एंड काफ़ी हाँ नहीं नहीं अच्छा ये तो अभी मैं नीचे करके आई हूँ ना, थोड़ा सा बाहर आई थी ना, अंदर तो बिल्कुल ठीक था। बाकी गाइस बहुत सुंदर है यार, इनकी कलेक्शन बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। देखो गाइस सामने ब्लैक शॉर्ट्स के साथ ये ब्लैक वन ही ट्राई करा, ये टॉप पहले जो ब्लैक पहनी थी, ब्लैक कौन सी पहनी थी सबसे? अच्छा हाँ वो भी अच्छी लग रही थी, और मम्मी दूसरी टॉप्स लेके आई है मेरे बस, इनको कर ले फाइनल। ये वाली नहीं, ये नहीं, ये अच्छी लगेंगी ना, ये ठीक है फाइनली फाइनल। ठीक है ठीक है, मेरी आउटफिट फाइनल गाइस, ये बहुत अच्छी लग रही है बट ये मैंने प्रमोशन में मंगा रखी है, सो अवेलेबल ही लेंदे ने, इना दा कम है, इना नु रोज 3-4 ड्रेस आंदे ने, 1290 स्कर्ट ये निकल है, ये 990 गई है। ठीक है गाइस, मम्मी दिला रही है गाइस, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं, दूर खड़े हो जाते हो जाके पर लेके से जाऊंगा। वो देना 20 वाइड वाला भी, वो टाइट लग रहा है, वो फिटिंग वाला चलता है। हां वाइट नहीं चाहिए, ये एक सेट ही बहुत है। आउटफिट है चुके फाइनल, वो नीचे हमें फ्लोर पे मिल जाएगी एंड गाइस अब न्यू को लाएगा नहीं, बहुत पहले का है, मैं तो मैंने खाती नहीं वैसे ऐसी दुकानें, बस मेरे को और भी पता है, मैं तुम लोग रोज यही धक्के खाओगी। अच्छा कि आपने हमारे साथ, हाँ बिल्कुल गाइस, अब मैं कमला नगर में यहाँ से कपड़े लिया करूंगी, बहुत अच्छा था, पर मम्मी के लिए काउंटर पे हमारे कपड़े मिल जाएंगे, और मीन सबका सेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट, तो अच्छा लगा मुझे, मीन सारी कलेक्शन अच्छी थी, तो बस चलते हैं घर पर मिलेंगे गाइस आप लोगों से। पर मुझे गाइस मेरी आउटफिट बहुत अच्छी लगी, ये बहुत अच्छी लगी, मम्मी के लिए पहन के खा जाएगी, मतलब जहाँ मर्जी जाऊँ, पर अब तो मैंने ले लिया अब तो ठीक है। हाँ तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे बात, यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए, मम्मी ने उधर से खाए थे। तो गाइस मेरे फेवरेट ये वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अंकल के गोलगप्पे, पुनीत और मैं तो हमेशा खा के जाते हैं, और उनके घर पुनीत तो गोलगप्पे नहीं खाता और जीजू भी नहीं खाते, पर वो यहाँ के बहुत खाते हैं क्योंकि सच में अच्छे होते हैं, और मेरी मम्मी को भी ट्राई करवाए हैं, और मिलते हैं। चले अब निकल चुके हैं घर के लिए, और हमारा ऑटो गाइस देखो कितना सुंदर है, और से मैं भी इतना पर्दा गिरा सकती हूँ, पर मम्मी कह रही है मुझे बाहर का नज़ारा देखना है, मैंने कहा वो नज़ारा को आप बड़ी बैंकॉक आई हुई हो, मैं तो ही लगा लिया गाइस। और वैसे ना सुबह सुबह से निकली हुई हूँ, ये टाइम होगा, ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, रत्ती भर या रत्ती भर, रत्ती भर एक दुकान है ना यहाँ भी इस लाइन में भी वैसी है, देख मुझे पर वो शॉप पसंद नहीं है। और गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोगों ने जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था तो आप लोगों ने देखा था, मैं नहीं नीड नहीं होगी फ्लैश जल रही है ठीक है, तो गाइस जब मैं आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ऑटो में अकेले आई थी, तो गाइस आप लोगों को पता है कि मैं कहीं अकेले बाहर नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ ना के बराबर, इनफैक्ट जो मेरी सब्सक्राइबर थी रितिका, मुझे वह सैलून में मिली थी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसके साथ आए हो, मैंने कहा मैं खुद आई हूँ, तो कह रही आप खुद कहीं नहीं जाते तो आप खुद कैसे आए, मैंने कहा कमला नगर नियर है तो मैं अब आ जाती हूँ, पहले नहीं आती थी। तो गाइस पता है क्या हुआ, मीन्स मैं मोस्टली कमला नगर पुनीत के साथ आती हूँ, हम दोनों आते हैं घूम फिर के चले जाते हैं, तो पुनीत तो मेन रोड जो अपना हो गया आने का रास्ता तिमारपुर से लेके आता है डायरेक्ट ले आता है, तो मैं मुझे वो रास्ता दिमाग में बैठा हुआ है, पर गाइस ऑटो वाले अंकल आज मुझे किसी और रास्ते से ले आए, मम्मी कौन से रोड से लाए होंगे, वो लाए होंगे क्योंकि गाइस मीन्स ना वो रोड ऐसा था नॉर्मल सा, नॉर्मल भी नहीं था कि मतलब सब लोग चल रहे हो, एक आधी गाड़ी बाइक होगी और फिर हमारी वो दुकान हमारा ऑटो हो गया और ऐसे चल रहे, और फिर गाइस मैं टेंशन में आ गई,
कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये, कि मुझे तो रास्ता समझ, मैंने कहा मैम मुझे रास्ता समझ नहीं आ रहा कि ये कमला नगर का है नहीं, अंकल मुझे क्या ले जा रहे हैं। फिर गाइस मतलब पता है स्टूपिडिटी की भी हद होती है कि मतलब मैं क्या सोच रही, मैंने कहा यार अगर इन्होंने मुझे किडनैप करना होता तो ये मुझसे पैसों के लिए बहस नहीं करते कि मैं 150 में जाऊँगा, और मैंने बोला मैं 100 में जाऊँगी तो अंकल ने मुझे बोला 10 रुपये कम करूँगा। अगर उनके मन में मुझे किडनैप करने की फीलिंग होती तो फिर वो मुझे बोलते कि नहीं तुम 60-70 में चलो, 100 में चलो, मैंने 100 बोला तो 100 में ही लेकर चलने को तैयार होते। मैं फिर ऐसी ऐसी बातें सुनने लगी। फिर जब मैं वहाँ से उतरी पुनीत का कॉल आया, मैंने उसे बताया, मैंने कहा पुनीत मेरे साथ आज ऐसा हुआ, तो कह रहा मैंने बोला था ना मैं छोड़ देता हूँ खुद की महारानी मिलती। फिर आके मैंने मम्मी को बताया, दीदी को बताया, सब मेरे कभी भी ऐसा सब तो मेरे ऊपर हंस रहे थे। जरूरत ही नहीं है, तुम कभी भी लड़कियाँ जो भी गर्ल्स देख रही हैं, अगर ऑटो से टैक्सी से कहीं भी वो करती हैं, उबर ओला में तो वैसे ही प्रोवाइड ही होती है। अगर बच्चों को लगता है तो मेरा ये मैसेज है, आप ऑटो में अगर बैठते हैं आपको लगता है ऐसा तो नहीं दिया तो भी आप फोटो के नंबर की फोटो खींच के अपने घर पर शेयर कर लें। मेरे जितना शुक्र तो कोई नहीं होगा, मैं अकेली हूँ। नहीं बेटा कुछ नहीं होता, होते हैं कई लोग होते हैं शायद होते हैं किसी चीज़ में, आप अपने घर शेयर करते हैं, आप जब चढ़ रही हैं ऑटो में बैठ रही है ऑटो वाले अंकल से पूछती, मैंने कहा अंकल मैं मतलब उन्हें ऐसे बन के दिखा रही थी मुझे रास्ता पता। और मैंने पहले भी एक ब्लॉग बनाया था उसमें स्पेशली बोला था सभी लड़कियां अपने फोन में वुमेन हेल्पलाइन का नंबर रखें, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए एक बटन प्रेस करते ही आपके पास 10 मिनट में पुलिस की हेल्प पहुंच जाएगी। पुलिस से पहले तो गाइज अगर ऐसी कभी दिक्कत आए और मैं बाहर फोन करूँ गाइज पुलिस से पहले 2 मिनट में तो मेरे घर वाले आ जाएंगे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। पर गाइज फिर मैं अंकल से पूछ रही, मैं मतलब उन्हें ऐसे बन के दिखा रही कि हाँ मुझे पूरे रास्ते पता, मैं सोचती अंकल ये आप कहाँ से लेके जा रहे हो, आपने तो मारपुर के उधर से क्यों नहीं लिया, आप इधर से क्यों लाए हो। अंकल कह रहे वो रोड बंद है, मैंने कहा नहीं अंकल मैं तो कल ही गई थी, कोई रोड बंद नहीं है, आप यहाँ से क्यों लाए हो। और बंदी भी है, मैंने कहा मैं उन्हें ऐसे दिखाती हूँ कि हाँ मुझे रास्ता पता है, और मुझे पता खाक कुछ नहीं था। मैं गई, मैं डर गई थी उस टाइम पर सच में, फिर बट मैं पहुँच गई थी गई। चले मजाक की बात थी एक, पर मैं सच में आज तो मेरे तो बड़ा गंदा इंसिडेंट हुआ। सीरियसली मतलब तेरे साथ हुआ है ये? हाँ मतलब मजाक की बात गई ये है कि मतलब मुझे जहाँ से मैं कमला नगर आती हूँ मुझे वो रास्ता पता था, अब कोई मुझे घुमा के लाएगा तो मुझे नहीं पता, बट अच्छे थे अंकल। मैं घर से निकली ना, पापा मुझे कह रहे कहाँ जा रही, मैंने कहा कमला नगर, कह रहे किसके साथ, मैंने कहा अकेले, पापा कह रहे तो अकेले जा रही है, मैंने कहा पापा मैं बड़ी हो गई, अब ये बात आपको जाके बताऊंगी, पापा कहेंगे खाक बड़ी हो गई है। तो चलो गाइस जब घर पहुंच के मिलते हैं आप लोगों से, पहले पहुंचना है। घर पे हम लोग आ गए थे, पता नहीं मैंने गाइस आप लोगों को ये बात की खबर दी या नहीं दी, बट घर आके कपड़े वगैरह चेंज किए, एंड जैसे कि नोना भी प्रेरणा के साथ गई हुई थी। निशि बटन बंद है ना मिक्सी का, गाइस खांसी हो रही है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों गाइस पूरा दिन मोए में करती है। अब पता कैसे गाइस सीख गई है, ऐसे करती है पूरा मोए 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 ऐसे ऐसे हरकतें करती है गाइस पूरा दिन। और प्रेरणा भी कहीं गई हुई थी गाइस और वो वापस आई है, और सब हम मेरा तो सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है गाइस, और मम्मी बना रही है खाना भी, और गाइस ये मेरा भाई है देखिए ये बैठा हुआ, और आज इसकी तबीयत खराब है गाइस, इसको फीवर हो रहा है। पहन लिए ले। रात के 12 बज रहे हैं और गौरव भैया आ रहे थे अपनी लाइब्रेरी से, नोना ने पकड़ लिया गौरव भैया को, चीज दिला के लाओ, तो गौरव भैया लेके गए और मैंने अपने लिए भी चीज मंगा ली गाइस। आज तो मैंने भी अपने लिए चीज मंगा ली, मैंने कहा मेरे लिए भी 5 स्टार लेके आना गाइस। खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है, रात हो चुकी है काफी ज्यादा, और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, बिकॉज गाइस कोई प्लान नहीं था, बट कल सडनली एक इवेंट में जाना है एंड वो काफी इम्पोर्टेंट है, सो मिस भी नहीं कर सकते, बिजी हैं बट फिर भी मिस नहीं कर सकते बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। सो आज मैं जा रही हूँ जल्दी सोने के लिए, और जल्दी सो के फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा बिकॉज जल्दी जाना है, एंड गुड़गांव हाय करो, बोलो सब कैसे हो। अंशु बोला साधन खत्म हो गया, मम्मी को भेज दे वरना न्यू शुरू कर लेंगे तो फिर 1 घंटा लगेगा। जहाँ से हाय नोना, से हाय टू एवरीवन, नोना हाय करो, नहीं नो गाइस अभी वो मूड में नहीं है, एंड चले करते हैं इसी के साथ, चले गाइस इसी के साथ करते हैं इस वाले ब्लॉग का एंड, मैं आपसे मिलूंगी कल एक न्यू इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स के साथ। एंड गाइस मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है गाइस, मीन्स पहले की तरह आप लोग ब्लॉग्स देखना पसंद नहीं कर रहे हैं या फिर क्या बात है,
आप लोग मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ इनफैक्ट आप लोग बताते भी हो कि दी अब आप पहले जैसे ब्लॉग शूट्स नहीं करते हो, अब आप कोई प्रैंक नहीं करते या आपको स्पेशल इंटरेस्टिंग ब्लॉग नहीं लेके आते। सो गाइज एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी भी रहती हूँ और उसके बाद फिर मुझे अकेले को, अब पता नहीं पहले मुझे आइडियाज आ भी जाते थे, अब मुझे खुद को भी कुछ आइडियाज नहीं आते। तो गाइज आप लोग मुझे टाइमली टाइमली कुछ ब्लॉग के अपडेट्स देते रहा करो कि मैं क्या शूट कर सकती हूँ और क्या नहीं, जिससे आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मीन्स आप लोगों से आप लोग मुझे आइडिया देंगे यूनिक यूनिक से, तो मैं वो प्रैंक्स करूंगी। पर कई ज्यादा से ज्यादा ब्लॉग्स को शेयर करा करो, देखा करो, लाइक करा करो एंड कमेंट जरूर करके बताया करो ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स ही रीड करती हूँ। एंड मैं आपसे मिलूंगी, चले अब कल एक न्यू ब्लॉग्स के साथ। बाय गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।